अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यू विल एन्जॉय दिस वन. तो आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा. ओके, देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे हैव मैंशनड समथिंग कॉल्ड एज बाइट एड्रेसिबल. बाइट एड्रेसिबल का मतलब क्या है? सो बेसिकली जब हम बाइट एड्रेसिबल की बात करते हैं, देखो आपके पास जो मेमोरी होती है, मेमोरी वी कैन से द मेमोरी इज वर्ड एड्रेसिबल और बाइट एड्रेसिबल. हम मेमोरी जो है बोलते हैं कि जो मेमोरी है वो वर्ड एड्रेसिबल है या फिर बाइट एड्रेसिबल, ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट? मतलब आपने कुछ ऐसा सुना होगा. अब इसका मतलब क्या है, मतलब बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड बाइट? तो वी कैन से बाय डिफॉल्ट जो मेमोरी है वो वर्ड एड्रेसिबल है. मतलब मेमोरी को हम वर्ड को कुछ एक एड्रेस देते हैं. सो दिस वर्ड साइज कैन बी 8 बिट, इट कैन बी 16 बिट, इट कैन बी 32 बिट, इट कैन बी 64 बिट. आपका जो सिस्टम है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि जो वर्ड का साइज़ है वो 8 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट है या फिर 64 बिट है. नाउ व्हाट इट रियली मींस इज, आप कुछ ऐसा देख सकते हैं कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर मेन मेमोरी, और जो मेन मेमोरी है वहाँ पर हमारे पास कुछ सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है, कुछ ऐसे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास ऐसे कुछ सेल्स प्रेजेंट है इन योर मेन मेमोरी. ठीक है, अब इन सभी सेल्स के अंदर, इन सभी सेल्स के अंदर वी कैन से कि जो एक सेल है यहाँ पर, दिस सेल इज हैविंग सम साइज. साइज का कहने का मतलब क्या है, जैसे इफ आई से दिस सेल इज ऑफ 8 बाइट, 8 बाइट का एक सेल है, और अगर हम 8 बाइट को एक एड्रेस अलोकेट करते हैं, ओके, इफ आई से दैट योर वर्ड साइज इज इक्वल टू 8 बाइट, इसका मतलब है कि हम 8 बाइट्स को कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट, ओके, सो दिस इज 8 बिट एंड हियर ऑल्सो इट इज 8 बिट. इट मीन्स कि हम 8 बिट्स को वन एड्रेस अलोकेट करते हैं. जैसे आई कैन असाइन एड्रेस नंबर 0 हियर, आई कैन असाइन एड्रेस नंबर 1 हियर, आई कैन असाइन एड्रेस नंबर 2 हियर, आई कैन असाइन एड्रेस नंबर 3 हियर. सो बेसिकली इफ वी असाइन वन एड्रेस टू 8 बिट, देन वी कैन से योर मेमोरी इज वर्ड बाइट एड्रेसिबल. उस केस में बोलेंगे जो मेमोरी है वो बाइट एड्रेसिबल. देखो वर्ड का जो साइज है दैट डिपेंड्स ऑन सिस्टम टू सिस्टम. किसी सिस्टम में आपका जो वर्ड का साइज़ है वो 8 बिट भी हो सकता है, किसी सिस्टम में आपका वर्ड का जो साइज़ है वो 16 बिट भी हो सकता है, और वर्ड का जो साइज़ है वो 32 बिट भी हो सकता है. अब अगर मैं 16 बिट की बात करता हूँ, 16 बिट का मतलब क्या है कि आपका ये जो एक सेल है, ये एक सेल आपका 16 बिट का होगा, यानी कि हम एक जो एड्रेस है वो 16 बिट्स को एक एड्रेस असाइन करेंगे. ठीक है, तो अगर मैं एज्यूम करूँ कि इफ आई से कि हमारे पास हर एक सेल 8 बिट्स का ही है, अगर मैं बोलता हूँ कि दिस इज़ ऑल्सो 8 बिट, ये भी आपका 8 बिट का है, एंड दिस इज़ ऑल्सो 8 बिट, ठीक है, और ये भी आपका 8 बिट का है, एंड वी कैन से द मेमोरी इज़, उस केस में अगर मैं बोलता हूँ कि मेमोरी का जो वर्ड है वो 16 बिट का वर्ड है, यानी कि हम ये जो टोटल आपके पास 16 बिट आएंगे, इन टोटल 16 बिट को हम एक एड्रेस असाइन करेंगे. वी आर गोइंग टू असाइन देम वन एड्रेस. ये जो टोटल आपके 16 बिट है इनको हम एक एड्रेस को असाइन करेंगे. अगर कहीं पर ऐसा होता है, इफ समथिंग लाइक दिस हैपन्स दैट योर वर्ड साइज इज 8 बिट, अगर वर्ड साइज आपका 8 बिट है, यानी कि जो बिट वर्ड का साइज वो बाइट के साइज के इक्वल हो जाता है, तो उस केस में हम बोलेंगे जो मेमोरी है वो बाइट एड्रेसिबल है. मेरे कहने का मतलब क्या, देखो जो वर्ड साइज है, वर्ड साइज इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम टू सिस्टम. आपका वर्ड साइज हर एक सिस्टम, मतलब सिस्टम्स के अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सिस्टम आर्किटेक्चर. इन सम सिस्टम द वर्ड साइज कैन बी 8 बिट, इन सम सिस्टम द वर्ड साइज कैन बी 16 बिट, इन सम सिस्टम द वर्ड साइज कैन बी 32 बिट, एंड सम सिस्टम्स द वर्ड साइज कैन बी 64 बिट. अगर मैं बोलता हूँ कि वर्ड साइज 32 बिट का है, यानी कि अगर हमारा एक ब्लॉक होगा 32 बिट का, उस 32 बिट के ब्लॉक को हम एक यूनिक एड्रेस को असाइन करेंगे. वी आर गोइंग टू असाइन वन यूनिक एड्रेस टू अ ब्लॉक ऑफ 32 बिट. ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि हमारा जो वर्ड साइज है वो 8 बिट का है, यानी कि 8 बिट के एक ब्लॉक को हम एक यूनिक एड्रेस असाइन करेंगे, तो अगर वर्ड साइज 8 बिट का है तो उस केस में हम बोलते हैं जो मेमोरी है वो बाइट एड्रेसिबल है, बिकॉज बाइट का जो साइज होता है वो भी 8 बिट ही होता है. द साइज ऑफ बाइट इज ऑल्सो 8 बिट. ओके, नाउ इन दिस केस दे आर सेइंग कंसिडर मशीन विद द बाइट एड्रेसिबल मेन मेमोरी.
आपकी जो मेन मेमोरी है वो बाइट एड्रेसेबल है एंड द मेन मेमोरी इज हैविंग 2^16 bytes, यानी कि हमारे पास टोटल 2^16 एड्रेसेस होंगे. हर एक बाइट को हम एक एड्रेस को असाइन करेंगे, सो वी आर गोइंग टू हैव टोटल 2^16 एड्रेसेस इन दिस केस. सो आई कैन से दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर मेन मेमोरी. ये कुछ मेन मेमोरी रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज योर मेन मेमोरी, फाइन. एंड हियर इन दिस मेन मेमोरी दीज आर रिप्रेजेंटिंग योर यू नो सेल्स. तो यहाँ से हम लोग कुछ सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो आई एम ड्राॅइंग दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, बिकॉज ह्यूमन माइंड इज यू नो डिज़ाइन टू रिमेंबर द डायग्राम्स रेदर देन नंबर्स. तो हम नंबर्स को रिमेंबर करने की जगह डायग्राम्स को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से उसको रिमेंबर भी कर पाते हैं. सो मोस्ट ऑफ टाइम दैट इज़ वाई आई ट्राई कि जो भी मैं आपको समझाऊँ आई शुड मेक डायग्राम्स फॉर दिस. अब यहाँ पर मैंने बोला कि हमारे पास ये जो मेन मेमोरी है, दिस मेन मेमोरी इज बाइट एड्रेसिबल एंड देर आर 2^16 bytes. दैट मीन्स दिस फर्स्ट बाइट विल बी हैविंग एन एड्रेस 0, दिस सेकेंड बाइट विल बी हैविंग एन एड्रेस 1. ठीक है, सेकेंड बाइट का जो एड्रेस है वो होगा 1. तो इन द सेम वे जो आपका लास्ट बाइट है यहाँ पर, दिस लास्ट बाइट हियर, आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं है, सो लेट मी राइट इट हियर. तो ये जो आपका लास्ट बाइट है, दिस लास्ट बाइट विल बी हैविंग एन एड्रेस 2^16 - 1, ये इसका एक एड्रेस होगा. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर, इतना सभी के साथ क्लियर होगा. तो यानी कि अगर मैं एक एड्रेस की बात करूँगा, वट इज़ द लेंथ ऑफ एन एड्रेस, एक एड्रेस कितने बिट का होगा, यहाँ पर कितनी सेल्स हैं आपके पास, 2^16 सेल्स हैं. सो द लेंथ ऑफ एन एड्रेस, लेंथ ऑफ एन एड्रेस विल बी ऑफ 16 bit. आपका जो एक एड्रेस है वो 16 bit का होगा. जो पहला एड्रेस आपके पास यहाँ पर, दैट विल बी 16 zeros. सो दिस विल बी द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल. इस सेल का जो एड्रेस है वो आपके पास कुछ ऐसा रिप्रेजेंट होगा, करेक्ट. सो दैट इज गोइंग टू बी योर 16 zeros. एंड द एड्रेस ऑफ दिस लास्ट सेल, जो आपका लास्ट सेल है उसका जो एड्रेस है, दैट विल बी 16 ones, राइट. सो दिस इज द फर्स्ट सेल, इसका एड्रेस 16 0 होगा, और जो लास्ट सेल है इसका एड्रेस 16 ones होंगे. एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग इन बाइनरी. ये जो एड्रेस है मैं यहाँ पर ये बाइनरी में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ओके. एंड दे आर गिविंग एन एड्रेस इन हेक्साडेसिमल. ये जो एड्रेस है यहाँ पर, वेयर दे हैव रिटन 1100H, H मीन्स हेक्साडेसिमल. अगर मैं इसी एड्रेस को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी कि जो आपका एड्रेस स्पेस है वो स्टार्ट होगा 40 से लेकर 40 इन हेक्साडेसिमल टू द मैक्सिमम एड्रेस विल बी 4F, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग F इन हेक्साडेसिमल. ये F को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो द लास्ट एड्रेस हियर विल बी 4F इन हेक्साडेसिमल. ये आपका 4F रिप्रेजेंट करेगा हेक्साडेसिमल के अंदर, ओके. आई होप इतना क्लियर है. अभी इतना पोर्शन आपके साथ क्वेश्चन का क्लियर हो चुका है. नेक्स्ट, दे आर सेइंग अज्यूम दैट अ डायरेक्ट मैप्ड कैश कंसिस्टिंग ऑफ 32 lines ऑफ 64 bytes ईच इज यूज्ड इन द सिस्टम. तो आपके पास एक कैश मेमोरी है, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर कैश मेमोरी, एंड दिस कैश मेमोरी इज योर डायरेक्ट मैप्ड कैश, एंड इट इज हैविंग 32 lines. कितनी लाइन्स हैं यहाँ पर, 32. सो दीज आर रिप्रेजेंटिंग योर कैश लाइन्स. ठीक है, राइट. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर कैश लाइन नंबर 0, दिस इज रिप्रेजेंटिंग कैश लाइन नंबर 1, कैश लाइन नंबर 2, कैश लाइन नंबर 3, कैश लाइन नंबर 4, कैश लाइन नंबर 5, अप टू सो ऑन. द लास्ट कैश लाइन वी आर गोइंग टू हैव कैश लाइन नंबर 31. 0 से लेकर 31 मीन्स वी आर गोइंग टू हैव अ टोटल ऑफ 32 lines. आपके पास टोटल 32 कैश लाइन्स होंगी, ओके. एंड द साइज ऑफ ईच कैश लाइन इज 64 byte. यानी कि यहाँ पर आप 64 byte मेमोरी को अलोकेट करेंगे. हियर 64 byte ब्लॉक कैन बी टेकन आउट, टेकन हियर 64 byte ब्लॉक कैन बी टेकन इन. हर एक ब्लॉक के अंदर हमारे पास 64 byte होगा. यानी कि अगर जो भी हमारे पास ऑफसेट है, बिकॉज फ्रॉम दिस आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपके ऑफसेट के अंदर पार्टीशंस क्या होंगे. आई मीन हियर इफ दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर फिजिकल एड्रेस, ये आपका फिजिकल एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. एंड दिस फिजिकल एड्रेस कितना बड़ा होगा, फिजिकल एड्रेस आपके पास टोटल 16 bits का, क्योंकि आपकी मेन मेमोरी के अंदर टोटल यू नो 2^16 मेमोरी लोकेशंस हैं. सो योर फिजिकल एड्रेस विल बी ऑफ 16 bit. फिजिकल एड्रेस जो है आपका 16 bit का होगा. एंड वी ऑलरेडी नो दैट दिस फिजिकल एड्रेस इज डिवाइडेड टू थ्री
partitions. हम इसको तीन partitions में divide करते हैं. This partition is representing your offset. This partition is representing your line number. And this partition is representing your tag. इतना clear हुआ? Now look at it very carefully. This offset is dependent on the size of block. Block का size 64 byte का है. That can be written as 2^6. यानी कि ये जो ऑफसेट है ये आपका 6 बिट्स का होगा. ऑफसेट विल बी ऑफ 6 बिट्स. हाउ मेनी लाइंस आर प्रेजेंट? देयर आर 32 लाइंस आर प्रेजेंट. सो 32 लाइंस मींस 2^5. यानी कि जो लाइन नंबर है उसके लिए आप 5 बिट्स का यूज करेंगे. यू आर गोइंग टू हैव 5 बिट्स फॉर लाइन नंबर. टोटल कितना हो गया अब आपके पास? टोटल हो गया 11 बिट. सो हाउ मेनी बिट्स आर रिमेनिंग? 5 बिट्स आर रिमेनिंग. देयरफॉर योर टैग विल बी ऑफ 5 बिट्स. आपका जो टैग है वो 5 बिट्स का है. ओके, अगेन रीड दिस नेक्स्ट लाइन. अ 50x50 2D अरे ऑफ बाइट्स इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी. आपके पास जो 2D अरे है वो 50x50 डायमेंशन का है एंड इट इज़ अरे ऑफ बाइट्स. अब ये जो अरे ऑफ बाइट्स का मतलब क्या है कि हर एक जो सेल है अरे का दैट इज़ गोइंग टू हैव अ साइज ऑफ 1 बाइट. ठीक है, तो आई कैन से दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर अरे. ये आपके अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दिस अरे विल बी हैविंग 50 रोज एज वेल एज 50 कॉलम्स. तो अरे जो है ये आपका 50 रोज और 50 कॉलम्स यहाँ पर कुछ है. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग कॉलम नंबर 0, 1, 2 अप टू सो ऑन 49. कॉलम नंबर 0, 1, 2 अप टू सो ऑन 49. तो यहाँ पर अरेज के अंदर कितने सेल्स होंगे? नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सेल्स इन अरे कितने सेल्स होंगे? यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स आर गोइंग टू बी 50 मल्टीप्लाइड बाई 50. दैट इज गोइंग टू बी 2500 सेल्स. इसके अंदर 2500 सेल्स होंगे. एंड ये जो 2500 सेल्स हैं साइज ऑफ एवरी सेल इज ऑफ 1 बिट. आई मीन 1 बाइट. हर एक सेल का जो साइज है वो 1 बाइट है. क्लियर? अब उन्होंने ये बोला कि ये जो अरे है हमने इसको मेन मेमोरी के अंदर इस लोकेशन से स्टोर करना स्टार्ट किया. किस लोकेशन से? 1100H. ठीक है, यानी कि जो ये मेन मेमोरी है यहाँ पर एक मेमोरी एड्रेस एग्जिस्ट करता है जिसका एड्रेस का नाम है 1100H. तो एड्रेस क्या है हमारे पास? ये एड्रेस है हमारे पास 1100H. दैट मीन्स ये जो एड्रेस गिवन है दिस इज़ गिवन इन हेक्साडेसिमल. अगर आप इस हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करेंगे इन अ बाइनरी फॉर्मेट, सो दिस इज़ 0001 0001 0000 0000. ठीक है, कैसे कन्वर्ट किया मैंने? जो भी एक डिजिट है हमने उसको 4 बिट्स के अंदर लिख दिया. सो दिस वन आई हैव रिटन इन 4 बिट्स. तो मैंने हर एक डिजिट को 4 बिट्स के अंदर लिख दिया. सो इन दिस वे सिंपली आई हैव कन्वर्टेड दिस एड्रेस टू दिस वैल्यू. ठीक है, अब देखो इसका कहने का मतलब क्या है. व्हाट डिड दे रियली वांट टू से इज कि ये जो अरे है आपके पास दिस अरे इज करंटली प्रेजेंट इन मेन मेमोरी. ये जो अरे है ये मेन मेमोरी पर प्रेजेंट है. तो एज्यूमिंग दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर अरे, ये आपका अरे रिप्रेजेंट कर रहा है एंड द एड्रेस ऑफ फर्स्ट लोकेशन जहाँ से अरे स्टोर्ड है दैट इज 1100H. 1100H लोकेशन से ये जो अरे है इसको हमने स्टोर करना स्टार्ट किया. अभी लोकेशन है क्या? व्हाट इज दिस लोकेशन? और ये जो लोकेशन है अगर इसको हम किसी ब्लॉक के अंदर डिवाइड करेंगे तो ये ब्लॉक किस लाइन के अंदर जाएगा? इन विच लाइन दिस ब्लॉक विल गो? ठीक है, तो 1100H जो है दिस इज योर एंटायर एड्रेस. ये आपका एड्रेस है और हमने बताया था कि हमारे पास जो फर्स्ट 6 बिट्स हैं दीज 6 बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग योर ऑफसेट. सो 1 2 3 4 5. तो आपके पास ये जो 6 बिट्स हैं आई मीन 1 2 3 1 2 3 4 5 6. सो ये जो 6 बिट है यहाँ पर ये ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑफसेट. नेक्स्ट 5 बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग योर लाइन नंबर. सो 1 2 3 4 5. तो ये जो 5 बिट्स है दीज आर रिप्रेजेंटिंग योर लाइन नंबर. ओके, एंड द नेक्स्ट 5 बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग योर टैग. ठीक है, यानी कि अगर अरे इस लोकेशन से स्टोर्ड है सो ये जो लोकेशन है यहाँ पर इस लोकेशन के अंदर वी आर गोइंग टू हैव ब्लॉक. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ब्लॉक नंबर. लेट अस सम ब्लॉक इट इज़ रिप्रेजेंटिंग. और ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक कौन सी लाइन में जाएगा? दिस ब्लॉक विल गो इन टू लाइन नंबर 4. ये वाला जो ब्लॉक है ये लाइन नंबर 4 पर जाएगा. दिस विल गो इन टू लाइन नंबर 4. ठीक है, सो जिसका जो नेक्स्ट ब्लॉक आएगा दिस नेक्स्ट ब्लॉक विल गो इनटू लाइन नंबर 5. ये वाला जो ब्लॉक है वो लाइन नंबर
5 के अंदर जाएगा इन द कैश मेमोरी. ओके, इतना क्लियर हुआ सभी के साथ, राइट? बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो है ये एक डायरेक्ट मैप्ड कैश है. सो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ डायरेक्ट मैप्ड कैश. सो इन अ डायरेक्ट मैप कैश कौन सा ब्लॉक किस लाइन के अंदर जाएगा, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड. तो यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, दिस फर्स्ट ब्लॉक विल गो इनटू लाइन नंबर 4, द सेकंड ब्लॉक विल गो इनटू लाइन नंबर 5. ठीक है, सो फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस मैं हर एक ब्लॉक को नंबर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी को इजीली रिमेंबर हो जाए. तो सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने ब्लॉक्स होंगे, इन हाउ मेनी ब्लॉक्स दिस विल बी डिवाइडेड. तो ये जो अरे है कितने ब्लॉक्स होंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन विच अरे इज डिवाइडेड, इन विच अरे इज डिवाइडेड, कितने ब्लॉक्स के अंदर ये अरे डिवाइडेड होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2500, बिकॉज द अरे का जो साइज है वो 2500 बाइट है एंड द साइज ऑफ वन ब्लॉक इज 64 बाइट. सीलिंग वैल्यू, तो ये जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू विल बी 39 point something something. सो बिकॉज 39 point something something विल बी देयर, तो ऑब्वियसली वी हैव टू टेक 40 ब्लॉक्स हियर. तो ये जो है यहाँ पर आपके पास 40 ब्लॉक्स होंगे, वी आर गोइंग टू हैव 40 ब्लॉक्स इन दिस अरे. For simplicity purpose, let us assume this is block number 0, this is block number 1, then we are going to have block number 2, then we are going to have block number 3, then we are going to have block number 4, and the last block here will be block number 39. Jo last block hai, wo block number 39 hoga yahan par, main memory ke andar. Ab ye jo block number 0 hai, we are going to store this block number 0 in line number 4. Kyunki yahan se hame pata chala ki jo block number 0 hai, wo line number 4 ke andar hame store karna hai. So let me number all of these lines in the cache memory, because cache memory में 32 lines है, let me number all of them. So this is line number 0, line number 1, line number 2, line number 3, line number 4, line number 5, line number 6, line number 7, line number 8, line number 9, line number 10, line number 11, line 12, line number 13, line number 14, line number 15, I think it is not visible, so this is line number 15. Again, line number 16, line number 17, line number 18, line number 19, line number 20. मैं क्यों लिख रहा हूँ, because see, without even writing I can do it, but आपकी simplicity purpose so that आपको easily समझ आए, so that is why I am writing line numbers here. So line number 22, line number 23, line number 24, line number 25, up to so on, this is line number 31. तो इतने आपके पास सभी line numbers यहाँ पर है. अब ये जो पहला block है, I mean this block, so this block number 0 will be stored from line number 4, then block number 1 will be stored in line number 5, block number 2 will be stored in line number 6, block number 3 will be stored in line number 7, block number 4 will be stored in line number 8. In the same way, if you are going to store all of these blocks here, agar aap in sabhi blocks ko yahan par store karenge in line number 31, 4 se lekar 31 tak kitne blocks hote hain aapke paas, just count, matlab total 32 the, 32 mein se aapne ye 4 ko hataya, so we are going to have total 28 blocks. So block number 27 will be stored in line number 31. तो 0 से लेकर, I mean line number 4 से लेकर line number 31 तक आपका block number 0 से लेकर block number 27 तक store होंगे. After this, जो आपका block number 28 है, this block number 28 will be mapped to line number 0, because direct mapping है, right? So because direct mapping में क्या है कि कौन सी line में कौन सा block जाएगा, that is already decided, correct? तो जो block number 28 है, that will be mapped to line number 0. Block number 29 will be mapped to line number 1. Block number 30 will be mapped to line number 2. Block number 31 will be mapped to line number 3. So, jitne bhi blocks se yahan par, all of these blocks had a miss. Ye sabhi jo blocks hai, ye main cache memory present nahi the. To jo sabhi blocks hue hain yahan par, ye 32 miss hue hain. So, initially we had this 32 miss. हमने, हमारे पास ये 32 मिस हुए. अब उसके बाद जो ब्लॉक नंबर 32 आएगा, आई मीन ब्लॉक नंबर 0 से लेकर ब्लॉक नंबर 31 तक 32 मिस हुए, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ब्लॉक आएगा, दैट इज ब्लॉक नंबर 32. सो दिस ब्लॉक नंबर 32 विल कम इन लाइन नंबर 4, द ब्लॉक नंबर 33 विल कम इन लाइन नंबर 5, ब्लॉक नंबर 34 विल कम इन लाइन नंबर 6, ब्लॉक नंबर 35 विल कम इन लाइन नंबर 8, ब्लॉक नंबर 36 विल कम इन लाइन नंबर 36 विल कम इन लाइन नंबर 8. So block number 37 will come in line number 9, block number 38 will come in line number 10, block number 39 will come in line number 11. ठीक है, यानी कि 4 से लेकर 11 तक आपके पास ये सभी दोबारा से मिस होंगे. ये कितने मिस हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
तो आपके प्लस ये वाले जो एट मिसेज हैं जिन्होंने लाइन नंबर फोर के अंदर लाइन नंबर इलेवन के बीच में हमने दोबारा से रीराइट किया, तो यहाँ पर आपके पास टोटल एट मिसेज यहाँ पर होंगे। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि हमने इस एरे को दो बार एक्सेस किया, वी हैव एक्सेस दिस अरे टू टाइम्स अरे किया, यानी कि हम पूरे अरे को सबसे पहले सिक्वेंशली हमने स्टार्टिंग से इंडेक्स लोकेशन 00 से लेकर इंडेक्स लोकेशन 50 तक एक्सेस किया। उसके बाद हम स्टार्टिंग से पूरे अरे को बिगिनिंग से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बिगिनिंग से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से आपका जो ब्लॉक नंबर 0 है उसको आप दोबारा से लाइंस के अंदर मैप करेंगे। तो यानी कि अब दोबारा से जब आपका ब्लॉक नंबर 0 आएगा, अगेन वी आर गोइंग टू मैप दिस ब्लॉक नंबर 0 इन लाइन नंबर 4, अगेन ब्लॉक नंबर 1 इन लाइन नंबर 5। तो यानी कि दोबारा से आपके पास ये 8 मिसेज होंगे, अगेन यू आर गोइंग टू हैव 8 मिसेज हियर, दोबारा से आपके पास ये वाला 8 मिसेज होंगे। आफ्टर दीज 8 मिसेज, तो जो आपका ब्लॉक नंबर ब्लॉक नंबर 8 से लेकर और ब्लॉक नंबर 31 तक, अगेन दे विल बी हिट्स, उसके बाद दोबारा से हिट होंगे, बिकॉज ये जो ब्लॉक्स थे हमने इसको मेन मेमोरी पे कहीं पर भी इनको रिप्लेस नहीं किया था। दीज ऑल ब्लॉक्स विल बी अ हिट, ये सभी जो ब्लॉक है ये हमारे पास हिट होंगे। सिर्फ लाइन नंबर 4 से लेकर लाइन नंबर 11 तक के जो ब्लॉक है उनको हमने रीराइट किया, बाकी सभी ब्लॉक कैश मेमोरी में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, सो दे विल बी अ हिट, वो सभी हमारे पास कैश मेमोरी में हिट होंगे बिकॉज ऑब्वियसली दे आर ऑलरेडी प्रेजेंट। अब उसके बाद फिर से दोबारा से ब्लॉक नंबर 32 से लेकर ब्लॉक नंबर 39 तक हम दोबारा से इसी लोकेशन पर मैप करेंगे, सो अगेन दे विल बी 8 मिस, दोबारा से आपके पास यहाँ पर 8 मिस होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ मिस कितने होंगे यहाँ पर, दैट इज़ 40 + 16 = 56 मिसेस। अगर इस पूरे अरे को हम लोग दो बार एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास टोटल 56 मिसेस होंगे। और ये मिसेस कौन सी लाइन से कौन सी लाइन तक होंगे, दीज मिसेस विल बी फ्रॉम लाइन नंबर 4 टू लाइन नंबर 11। तो लाइन नंबर 4 से लेकर लाइन नंबर 11 तक हमारे पास टोटल 8 मिसेस होंगे, और 4 से लेकर 11 तक आपके पास मिसेस जो है दोबारा से रिपीट करेंगे। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर, इतना सभी के साथ क्लियर है। सो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, राइट? सो इवन दो द क्वेश्चन वॉज लेंथी, आई सेड कि मैं दो तीन क्वेश्चन लूँगा, इन टू और थ्री क्वेश्चन वी कैन स्पेंड हाफ एन आवर इन टू और थ्री क्वेश्चन, बट अगेन द क्वेश्चन विल भी इंटरेस्टिंग, जो भी क्वेश्चन होंगे आपके वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, करेक्ट? क्योंकि आपने करा क्या, कि यहाँ पर आपने मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी आ गया, कैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी आ गया, डायरेक्ट मैपिंग का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो भी आ गया, और साथ साथ में आपका जो अरे की एलोकेशन है और उसमें कितने कैश मिसेज होंगे, कैश कितने कैश हिट होंगे वो भी आ गया। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक साथ कंबाइंड है, क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अगेन सी प्रोग्रामिंग को हमने कंबाइन कर दिया कंप्यूटर आर्किटेक्चर के साथ, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो देखो नो, दीज क्वेश्चंस विल नॉट कम इन यूजेस हैं, यूजेस हैं में इससे इजी क्वेश्चन आएंगे, दिस इज अ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन, सो दैट इज व्हाई आई स्पेसिफिकली मेंशनड इट इज अ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन। ओके, देखो जो कैश मिस होंगे शुभम, यहाँ पर ब्लॉक नंबर 32 से लेकर 39 तक ये दोबारा से रीराइट होंगे। ओके, तो ये दोबारा से रीराइट होंगे यहाँ पर, ठीक है? सी सर्वज्ञ, व्हेन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली समझने में और करने में रफली 7 मिनट्स लगे। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे आपको समझाना नहीं होता, हार्डली इट टुक मी लाइक 6 to 7 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यस्टरडे, मतलब मैंने कल इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश की थी रात को नाइट में, तो मुझे इस क्वेश्चन को लगभग 6 to 7 मिनट्स लगे सॉल्व करने के अंदर। इन एग्जामिनेशन आपको कम टाइम लगेगा, राइट नाउ हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करना है एंड वट दे आर ट्राइंग टू से, ये हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट एग्जामिनेशन में, यू आर नॉट गोइंग टू स्पेंड हाफ एन आवर, एज आई सेड एग्जाम से पहले, राइट नाउ यू हैव लॉट ऑफ टाइम। अगर आप एक क्वेश्चन के अंदर 30 मिनट्स या फिर एक दिन भी लगाते, इवन इफ यू कैन स्पेंड 1 डे इन 1 क्वेश्चन और एक दिन में आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज उस पूरे एक दिन में आपने एक नए कॉन्सेप्ट को सीखा, राइट? हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट को सीखने की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट रियली टॉकिंग अबाउट कि एग्जाम में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस को पहले से किया है, इफ़ यू हैव डन दिस क्वेश्चन बिफोर, तो ऑब्वियसली व्हेन द सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम इन एग्जामिनेशन, यू विल सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम, आप सेम क्वेश्चन को कम टाइम पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें जो टाइम है
वो ज़्यादा लग रहा है बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, अगेन दिस वाज अ 4 मार्क्स क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस थे यहाँ पर, एंड दे आर सेइंग कि यहाँ पर जो न्यू ब्लॉक्स है उसमें कौन सी लाइन से रिप्लेस होगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लाइन नंबर 4 से लेकर लाइन नंबर 11 तक हमारे पास जो डेटा मिस होगा। तो ये क्वेश्चन जो है सिर्फ 2 मार्क्स का नहीं था, दिस क्वेश्चन वॉज ऑफ 4 मार्क्स। सो इवन इफ यू कैन स्पेंड लाइक 6 to 7 मिनट्स और इवन इफ यू कैन स्पेंड 10 मिनट्स इन दिस क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन में आपको 10 मिनट भी लगते हैं, इन 10 मिनट्स आपके 4 मार्क्स जो है वो यहाँ पर कंप्लीटली पक्के हो रहे हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन था, दिस इज 2 मार्क्स फॉर द फर्स्ट पार्ट, 2 मार्क्स फॉर द सेकेंड पार्ट, सो दिस क्वेश्चन वॉज ऑफ 4 मार्क्स। सो इवन इफ यू कैन स्पेंड 10 मिनट्स, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, अभी आपके पास बहुत टाइम है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। एग्जैक्टली शारदा, यू आर राइट। तो 0 से लेकर 39 तक तो टोटल आपके 40 ब्लॉक्स होंगे। क्लियर है सभी के साथ? आई होप इट इज़ क्लियर, आप सभी के साथ ये क्लियर होगा।